तो हेलो वेलक, कैसे हो सारे? पता हूँ सही बढ़िया होंगे। और लास्ट एंड ऑफ सर्वाइवल कॉपरेशन बेस का ये है अपना एपिसोड नंबर 4 7 है, ठीक है? ये एपिसोड नंबर 7 है और चैलेंज का आज 7वां दिन कंप्लीट हो रहा है इस वीडियो के साथ। तो आज गाइज मैं शिप के ऊपर जाने वाला हूँ और शिप के ऊपर 3 रूम रहता है, ठीक है? एक ग्रीन, ब्लू और एक पर्पल रूम रहता है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे ऑपरेशन बेस के अंदर 3-4 जगह रूम है। तो उन जगह में से एक जगह जो आज तक कभी नहीं दिखाया मैं आप सभी को, तो आज की वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना और मैं आपको मिलता हूँ आगे। पता है दोस्तों, इस शिप को देख के मुझे एक शायरी याद आती है, वो जो फेमस शायरी है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वह डूबी जहाँ पानी कम था। सच में एकदम किनारे पे ये शिप डूबा है, बताओ इतने किनारे पे कौन सा शिप डूब जाता है? थोड़ा सा दूर होता, 100-200 किलोमीटर दूर होता तब बात बनती, एकदम किनारे पे आके डूबा शिप। बड़ा बेकार शिप है यार, टाइटैनिक था। तो शायरी कॉपी है कि नहीं है? चलो बाय, मिलता हूँ आपको आगे। अब देखो दोस्तों, एरी भाई ने पूछा है कि अपने साइक्लोनाइड को अपन कहाँ से ले सकते हैं, ठीक है? कहाँ से मिलता है? एवेंजर को किल करने से, टैंक को किल करने से, या कैसे? तो सर्वर के द्वारा आपको साइक्लोनाइड चाहिए तो आपको हेली को किल करना पड़ेगा, तभी आपको साइक्लोनाइड मिल सकते हैं, और जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है? कई लोग पूरे सर्वर में हेली किल करते रहते हैं तब जाके उनको एक बार साइक्लोनाइड मिलता है, ठीक है? और जितने भी जो स्टोन होता है, ठीक है, जो एनर्जी माइन जितनी भी चीज़ें हैं, वो सभी लगभग मैक्सिमम चीज़ें जो है अपने को हेली से ही मिलते हैं, ठीक है? उससे पहले एक दो चीज़ें रूम से मिल सकती है, बाकी हेली से मिलते हैं 90% चीज़ें। जो भी कट करने का डिवाइस है, उसको मेल्ट करने का डिवाइस है, सब कुछ वही हेली से ही मिलता है, ठीक है? बड़ी मुश्किलों के बाद ऊपर चढ़ तो गया था मैं, और यहाँ पे देखना ये है कि रूम है कहाँ। रूम गाइस नीचे है, ठीक है? अपने को ऊपर कुछ नहीं मिलेगा इसके। अपने को रूम अगर चाहिए तो रूम के लिए अपने को नीचे कूदना पड़ेगा और नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है? ये ऊपर का एरिया है, अपने को कैबिन के नीचे जाना पड़ेगा तभी काम बनेगा। तो चलते हैं फटाफट कैबिन के नीचे। From town to town, from
town from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. तो गाइस ये है अपना ग्रीन रूम का एरिया और यहाँ पे ज़ॉम्बी लोग पानी के अंदर आते ही किल हो जा रहे हैं, तो बढ़िया है। तो चलो सर फटाफट आपको जाके दिखा देता हूँ, पानी के अंदर आएगा ना किल हो जाएगा ऑटोमेटिक। लेकिन पानी के अंदर जो मॉन्स्टर रहता है वो किल नहीं होता गाइस, वो तो पानी के अंदर ही रहने के लिए बना है। तो मैं आपको ग्रीन रूम दिखा देता हूँ, ये है अपना ग्रीन रूम, वायर डाल देते हैं और शायद एक ही जनरेटर है, ठीक है। मैं नीचे पर्पल रूम में गया था ना तो वहाँ पे जनरेटर नहीं मिल रहा था, तो शायद ये एक ही जनरेटर है, इसी से ऑपरेट होता है सारे के सारे, ठीक है। तो 100 वायर लेके आना और नीचे जाके रूम ओपन करना, 100 वायर डालना है इसके अंदर, ठीक है। कम मत डाल देना, क्योंकि कम डालोगे तो फिर लोचा कोचा हो जाएगा, निपट जाओगे अंदर ही फंस जाओगे, कोई मतलब नहीं होगा। बाहर निकलने के बाद निकाल लेना फिर यही से, ठीक है, समझ रहे हो ना। क्योंकि मैं निकाल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं था ना, स्टार्टिंग में पता नहीं था, इसलिए जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ना तब मुझे पता है। और यहाँ पे देखते क्या लूट है कि नहीं, और चलो मैं आगे मिलता हूँ आपको, ठीक है, जब रूम के खत्म हो तो। अब बारी है गाइस पर्पल रूम में जाने की, तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं और अब जाएंगे नीचे, और नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये मॉन्स्टर ना, बस यही एक चीज़ है गाइस जिससे मुझे इस गेम में तो डर लगता है भाई, पता नहीं क्यों, एक चीज़ के साउंड से ही डर लग जाता है। और यहाँ पे रूम है अपना पानी के अंदर, अंडर वाटर रूम, वाओ, ओके। लेकिन जो भी हो गाइस, ये जो मॉन्स्टर है ना डैमेज बड़ा तगड़े देते हैं। और देखो मैंने पानी वाला कुछ लाया नहीं था ना, तो मेरा ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तो मुझे कुछ फिश को ना स्किन करना था जिससे उनसे ऑक्सीजन मिल जाता। अरे यार मार देगा लग रहा है। ये देखो ये है अपना पर्पल रूम है क्या, ओके ब्लू रूम है ये। अरे ओके ओके बचाऊँ थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा डैमेज लग रहा है यार, हाँ नहीं बच पाऊँगा लग रहा है मैं। चलो हो गया काम भारी, लेकिन ये देखने में खूबसूरत तो लग रही है भाई, सच में इसके मर के, अभी इसके हाथ मर के मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ लॉस हुआ है। देखो ये तो मामूली चीज़ है गाइस, पर्पल कार्ड वगैरह सब कुछ वैसे फूल है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत तो अच्छी रही है ना भाई। चलो गाइस और अभी चलते हैं अपने एवेंजर वगैरह को किल करने, आपको वही पिन मिलता हूँ। तो यहाँ पे एवेंजर को मैंने किल कर दिया था आके, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एवेंजर ने क्या लूट दिया है। मैं किल आपको नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि एवेंजर किल करके बहुत बार दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो उसको डायरेक्ट लूट दिखा रहा हूँ, ये देखो उसका लूट है ये, तो अच्छा खासा सामान नहीं दे रहा यार एवेंजर, भी बड़ा कंजूस होता जा रहा है धीरे धीरे। तो ठीक है फ्रेगमेंट मिल रहा है वही सही है। और हाँ एक चीज़ और बता दूँ मैं, मेरे पास अभी तो फिलहाल जो विंग होता है, ठीक है, विंग एडविस्ट का जो विंग है, तो विंग जैन मुझको मिल चुका है, कल रात को मैंने विंग जैन निकाल लिया था।
तो इसके लिए ना 10 बार मैंने उसको बनाया था, ठीक है, मतलब 10 बार पेट को टीम करके 10-10 पेट को टीम किया था मैं। और उसके बाद आखिरी सातवें वाले पेट ने मुझको विंग रिस्ट का जो विंग है वो विंग मुझको दे दिया था, ठीक है। अब मेरे पास विंग वाला जो वुल्फ है वो बन के तैयार हो चुका है। अब मैं कभी भी चाहूँ तो विंग रिस्ट बना सकता हूँ, जब मेरे पास पर्पल बॉटल आ जाएगा तब, उससे पहले नहीं, पहले पर्पल बॉटल आएगा उसके बाद बना पाऊँगा, ठीक है। बाकी पर्पल बॉटल आते ही मैं कभी भी बना सकता हूँ, ऐसा मान लो। अब बस स्नो लेपर्ड और बुल्फ को मिक्स करके अपने को स्नो लेपर्ड का एक हेड जेन चाहिए होगा, फिर अपन बना पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर बॉम्ब शेल्टर का रूम भी ओपन कर लेते हैं, और ये अपना डे नंबर है 7। ओके, लास्ट एंड ऑफ सर्वाइवल ऑपरेशन डेज का चैलेंज का, और 3 दिन है, उसके बाद फिर अपने को सर्वर स्टार्ट करना है। सर्वर स्टार्ट करने के लिए जो मेन चीज़ चाहिए था मुझको वो तो मिल ही चुका है, अब देखना ये है कि दिक्कत मिलता है कि नहीं। जेल मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा भाई, पता है, क्योंकि हेड जेल मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। तो चलो मैं आपको मिलता हूँ आगे गाइस। ये अपना एयरपोर्ट का रूम, और इसमें भी पहले ब्लू रूम ओपन करेंगे, फिर ग्रीन, और उसके बाद टैंक किल करेंगे, और टैंक से जो लूट मिलेगा उसको सेव करेंगे। टैंक से लूट नहीं मिलता है गाइस, मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, कल भी लूट अच्छा खासा नहीं मिला, आज भी वही सेम है, कंजूसी करी जाए टैंक, लेकिन फिर भी किल करना ज़रूरी है क्योंकि चैलेंज है, उसमें 10 दिन तक यही चीज़ सेम करते रहना। हाँ, हर एक चीज़ करना इम्पॉसिबल है गाइस, क्योंकि मैं काम पर ही जाता हूँ, तो अगर नहीं जाता तो टाइमिंग के साथ रिफ्रेश हो जाता और हर एक चीज़ में कर पाता, लेकिन मेरे पास टाइम कम रहता है, तो उस कम टाइम के अंदर हर एक चीज़ रिफ्रेश होने में ना ऑपरेशन के अंदर टाइम लगता है, 2 घंटे का नहीं है, 24 घंटे में एक बार रिफ्रेश होता है, ठीक है। तो ये 1:30 बजे जो है रिफ्रेश होगा कल, ठीक है, आज जितने बजे किल हुआ फूटा जितने बजे, ठीक है, और फिर आग जितने बजे बंद होगा उतने बजे से कल स्पॉन होगा, उससे पहले स्पॉन नहीं होगा। अभी मान लो 1:30 बजे मैंने 1:31 पर इसका आग शांत हो जाएगा, ठीक है, टैंक में जो आग लगाए आग शांत हो जाएगा, अगले दिन 1:31 या 32 पर मुझको टैंक फिर से दिखेगा। तो कल तो टैंक क्लीन नहीं होगा गाइस, कल शायद दूसरा कुछ और करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ तो अभी रिफ्रेशिंग है, अभी रिफ्रेश है दिखा रहा है, जब लूट लूँगा उसके बाद रिफ्रेश हट जाएगा और टाइमिंग दिखाने लग जाएगा 24 घंटे का। चलो ठीक है, एक चीज़ है तो बताना था मुझको, मैंने बता दिया है, और उम्मीद है गाइस आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन को आप सिलेक्ट ज़रूर करना। और आज 10-15 मिनट का वीडियो है, तो इम्पोर्टेंट वीडियो था, तो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना।